फास्फोरस ब्रोमाइड यानी कि PBr3 और फास्फोरस आयोडीन, ठीक है, या ट्राई ब्रोमो फास्फोरस और ट्राई ब्रोमो ट्राई आयोडो फास्फोरस आर नॉट वेरी स्टेबल कंपाउंड्स, यानी कि PBr3 और PI3 आर नॉट वेरी स्टेबल कंपाउंड्स, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ रेड फास्फोरस एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली। यानी कि जब हम लोग रेड फास्फोरस को ब्रोमीन के संग रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। ये रेड फास्फोरस हो गया और ये ब्रोमीन के संग रिएक्शन करा दिए, कितना ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो क्या बनेगा, 4PBr3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड बन गया ये। और ये जानते हैं स्टेबल नहीं होता है, उसी तरह से रेड फास्फोरस के संग आयोडीन 6I2 संग रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, 6PI3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड बना और यहाँ पे फास्फोरस ट्राई आयोडाइड बना। और ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं वे ज्यादा स्टेबल नहीं है, और इनको कैसे बनाया जाता है, रेड फास्फोरस और ब्रोमीन एंड आयोडीन के संग रिएक्शन करा करके।